नमस्कार किसान मित्रों, ग्रीनलैंड एग्रीकल्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आप जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये मेरा नोनियो सीड का जन्नत तरबूज है और इस फील्ड को हमारे 2 महीना कंप्लीट हुए हैं। दोस्त, आप देख पा रहे हैं इस फील्ड को 2 महीना कंप्लीट हो गए हैं और फल का साइज आप देख पा रहे हैं लगभग 3 किलो के आसपास का हो गया है। कोई कोई फल 3 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 1.5 किलो ऐसे ही हो गया है। मित्रों, ये 27 फरवरी का प्लांटेशन है मेरा और आज है 30 अप्रैल। कल से मई लग जाएगा, 1 मई। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं फ्रूट का साइज, देख सकते हैं आप लगभग 4 किलो के आसपास का फल है। अभी इस फील्ड में पकने में थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि 70 दिन के आसपास ही थोड़ा ही शुरू करेंगे इसमें। फ्रूट सेटिंग बहुत अच्छी है दोस्तों और काफ़ी अच्छा फल लगा हुआ है। मित्रों, इसमें हमने कई स्प्रे लिए और स्प्रे में जो अभी मैंने लास्ट स्प्रे लिया है वो बायर का वाइगो, इल्ली के लिए जो सुंडी होती है उसके लिए मैंने लिया था, क्योंकि सुंडी कहीं कहीं पे दिखने लगी थी तो सुंडी के लिए मैंने वाइगो बायर का, और उसके साथ साथ 0050 का स्प्रे मैंने निकाला उसके साथ। आप देख पा रहे हैं फ्रूट मित्रों, तो ये मेरा फील्ड है और अभी एक स्प्रे इसमें और लेना पड़ेगा मुझे 0050 का, क्योंकि जब 0050 और सोलोमन बायर का सोलोमन, क्योंकि सोलोमन इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि वो सुंडी और फ्रूट फ्लाई दोनों को मारता है, तो उससे फल ख़राब नहीं होगा। मित्रों, देख सकते हैं आप कहीं कहीं पे लौकी का पेड़ है। दोस्तों, देख सकते हैं आप इसमें भी फ्रूटिंग ज़बरदस्त है और तरबूज में तो है ही। तो ये देखिए, बिल्ट आ गया है मित्रों, कहीं कहीं पे देख सकते हैं आप, ये बिल्ट के कारण ये पौधा सूख गया है और ये 4 किलो का फल इसी पौधे में लगा हुआ है। तो बिल्ट आ चुका है और पौधा सूख रहा है दोस्तों, तो इसको कंट्रोल किया जाएगा। कंट्रोल क्या, फल तोड़ा जाएगा, कंट्रोल तो नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा लोड है पौधे पर, तो कंट्रोल हो ही नहीं सकता है। देख सकते हैं फ्रूटिंग, बिल्ट शुरुआती स्टेज में तो कंट्रोल हो जाता है जब फ्रूटिंग स्टार्ट होती है पौधे में, लेकिन जब फ्रूट 4-4 फ्रूट लग चुके होते हैं एक एक पौधे में, लगभग 10 किलो के आसपास फल लग चुका होता है, तब बिल्ट को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल नहीं हो पाता कंट्रोल। उस समय यही लगता है कि बस फल को निकाल के मार्केट सेल कर दो बस। तो इस समय दोस्तों भाव भी बढ़िया चल रहा है, भाव की बात करें तो 12-14 रुपये हमारा ये अभी गया है फल, और ये फल भी उम्मीद है कि 12 रुपये के आसपास जाएगा। मित्रों, तो दोपहर का टाइम है, 3 बज चुके हैं, 30 अप्रैल है इस समय। हम आज खेत में टहल रहे हैं,
क्योंकि मित्रों हम जब भी निरीक्षण करने के पर्पस से निकलते हैं खेत में तो दोपहर के टाइम पे ही निकलते हैं, क्योंकि उस समय पौधे में पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, पौधे को क्या चाहिए। जैसे इस समय मुझे पता चल रहा है कि विल्ट आ चुका है और पौधा पानी भी मांग रहा है, तो अभी शाम को पानी दिया जाएगा इस खेत को। और अभी मान के चलिए 10 मई से इसकी तोड़ाई शुरू करेंगे हम। लगभग इस फील्ड में हमारे 150 कुंटल के आसपास माल होना चाहिए, निकलना चाहिए। एक आइडिया है, पिछले साल चूँकि इसी फील्ड में था तो लगभग 200 कुंटल के आसपास माल निकला था। इस साल थोड़ा सा कमज़ोर है और पौधे भी कम लगाए थे, तो उस हिसाब से लगभग 150-100 कुंटल से ऊपर ही फल निकलना चाहिए। तो मित्रों देख सकते हैं, ये देख लीजिए, रूटिंग चल रही है, देख सकते हैं आप। एक ही जगह पे 5 फल तो देख सकते हैं, कुछ बनावटी नहीं है कुछ भी। जबरदस्त नज़ारा, जन्नत जो होता है नोनियो सीड का, इसमें फ्रूटिंग बहुत जबरदस्त होती है। दोस्तों मैं आपको एक फल दिखाना चाहता हूँ, लगभग इस फल का वजन कितना होगा आप बताइए, कितना होगा मित्रों? लगभग 6 किलो के आसपास का ये फल है, 6 किलो, जबरदस्त। अगर 12 रुपए के हिसाब से जाता है तो 70-72 रुपए का फल एक फल है दोस्तों। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जबरदस्त फ्रूटिंग, जबरदस्त, ये देख लीजिए, कोई बनावटी नहीं है दोस्तों। ये दोनों फल जो है 6-6 किलो के आसपास के हैं। तो मित्रों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारा जन्नत फील्ड थी, जन्नत की, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस और इससे पहले कि आप लोग अगला वीडियो हमारा पाएं, और पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद किसान मित्रों।